वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्धवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् पृष्टात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले यो नमः महाभ्यो नमः सर्वे यो नमो नमः कल तपस्या की बात चल रही थी अब भूल गए क्या करना अपने याद दिला गया ठीक है उमर जी ने दिलवाई है भी यार अच्छा याद नारायण नारायण नारायण
तुम्हें बच जाए रहती बात। शरीर का तप है, वाणी का तप है और मन का तप है। तो शरीर की तप से वाणी का तप विशेष है और वाणी के तप से मन का तप विशेष है। क्योंकि स्थूल शरीर स्थूल है, ये शरीर है और वाणी है कर्मेंद्रिय है और मन है वो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियों के ऊपर है। मनो ही दशेन्द्रियाध्यक्षम हृत पद के स्थित वो दशेन्द्रियाध्यक्ष है। तो मन की सूक्ष्मता है, इंद्रियाणि परान्या हो इंद्रिय भी परम माना मन स्वस्थ परा बुद्धि योग बुद्धि पर ऐसे परता माया है। कठोर विषय इंद्रिया नहीं परे अर्थे अर्थे व्यर्थ परम माना मन स्वस्थ परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर माता पर अभ्युतम अभ्युता पुरुष पर पुरुषान्ना पर किंचित साकाष्ठा परागति। तो इसे श्रेष्ठ बताया है तो उसका महात्म भी विशेष है। जो मन का संयम है वो विशेष है। ऐसी विशेष बात होते हुए भी उसमें एक विलक्षण बात है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन महात्म विनग्रह भाव संशुद्धि रीति तप तपो मान समझती। ये पांच बात बताई जिसमें सबसे पहले मन प्रसाद मन की प्रसन्नता, मन चित्त को हरदम प्रसन्न रखना, हरदम प्रसन्न। अब प्रसन्न रहना है ये खुशी भी आनंद की बात है। तपस्या नाम लेते ही मन में भाव पैदा होता है कि बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तो तपस्या उसी के नाम है जिसमें कष्ट होता है। इसमें तो आनंद होता है और तपस्या है, तपस्या भी मन की ऊंची तपस्या। हरदम चित्त प्रसन्न रहे, खिन्न न रहे, मन में खिन्नता न हो, चिंता न हो, भय न हो, उद्वेग न हो, तृष्णा चिंतन द्वेष मन तीन दोष इसमें आते हैं। तृष्णा है, चिंतन है, द्वेष है, राग है, ये दोष मन के हैं। तो मन के दोष न आवे और गुण आवे तो उसमें पहले पहले बताया कि मन प्रसाद प्रसन्नता, प्रसन्नता की बड़ी भारी महिमा है। दूसरे अध्याय में आया ना स्थित प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठ। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। तो हरदम चित्त में प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न कैसे रहे? भगवान ने कृपा करके कलयुग के समय मानव जन्म लिया है तो भगवान की कृपा को देखो। एक मार्मिक बात है, मैंने पुस्तक में पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो याद आ गई। ये जितने दुर्गुण दुराचार है, ये जितने सदगुण सदाचार, ये दो विभाग है, एक देवी संपत्ति है, एक आसुर संपत्ति है। मैं मूल में बात बहुत बढ़िया मेरे को मालूम थी कि संसार के संबंध को लेकर है उसके सब दुर्गुण दुराचार पैदा होते हैं और भगवान के संबंध को लेकर सब सदगुण सदाचार पैदा होते हैं। संसार असत है तो असत से ही पैदा होते हैं दुर्गुण दुराचार। असत को सत्ता दे दे, सत्ता देकर महत्ता दे दे, महत्ता देकर समझ जोड़ लेते, फिर असत आशु संपत्ति आवेगी, तरह तरह के दुर्गुण दुराचार पैदा होंगे। तो आज जो हम लोगों से ये देवी संपत्ति कठिन मालूम देती है इनका पालन करना, तो कारण क्या है? असत वस्तुओं को हम आदर ज्यादा दे देते हैं, उससे आशु संपत्ति सब पैदा होगी, दुर्गुण दुराचार सब पैदा होंगे। और इनको छोड़कर भगवान से ही संबंध जोड़ ले तो देवी संपत्ति गुण आप साफ आवे स्वाभाविक। देवी संपत्ति में जो देव शब्द है ये देवताओं का वाचक नहीं है, ये देव शब्द परमात्मा का वाचक है। देवी गुण है, देवताओं देवताओं का नहीं है। देवताओं में तो ईर्ष्या आदि अवगुण रहते हैं, देव परमात्मा में कुछ अवगुण नहीं रहता।
विश्वास है देव ना हो परमात्मा का है। उपनिषद मातृ देव भव पितृ देव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव चार बात आई है। वो देव का है वो परमात्मा का है। मानो माँ को भी परमात्मा का स्वरूप समझो, पिताजी को भी परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य गुरु को भी परमात्मा का समझो, अतिथि आ जाए उसको भी परमात्मा का स्वरूप समझो। परमात्मा का स्वरूप समझने लग जाओ तो सब काम ठीक हो जाएगा। मूल चीज है असली मूल, संपूर्ण दुर्गुण दुराचारों का मूल है असत को आदर देना, और सदगुरु सदाचारों का मूल है प्रभु का आदर होना, भगवान का। तो सत्संग करने वाले सज्जन है उनको तो खास बात है, सत्संग ही तभी होता है कि सत को संग हो जाए। मानो सत्य जो नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है उनके साथ प्रेम हो जाए उसका नाम सत्संग है। भगवान में भगवान प्रिय लगने लग जाए, जहाँ भक्ति की 11 भूमिका बताई है वहाँ भी रंतक क्रोधपति 5 भूमिका बताई है। भगवान में प्रीति पैदा हो जाए, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान के संबंधी चीज प्यारी लगे, और सब संसार भगवान से है, भगवान से पैदा हुआ है, भगवान का है, तो भगवान के नाते सब प्यारे लगते हैं। भगवान प्यारे लगेंगे तो संसार में भी प्यार पैदा हो जाएगा। एक दिन मैंने पढ़ा है कि उसमें ऐसी बात आई है कि भगवान के भगवान का आदर होगा, भगवान के भक्त होंगे तो संसार के भी भक्त होंगे, मानो संसार को भी आदि दृष्टि से देखेंगे। संत महात्माओं के भक्त होंगे तो भी संसार को आदि दृष्टि से देखेंगे, मानो संसार के भी भक्त हो। जैसे कोई मुनीम होता है सेठ का तो सेठ के बालकों का भी आदर करता है, सेठ के जो है 25 छोटे बड़े उनका भी आदर करता है। राजा का भक्त होता है राजकुमार का भी आदर करता है। इस तरह से भगवान का भक्त होता है तो सबको भगवान का भगत मानते हैं, भगवान के है ये। जैसे बताई थी कल बात है कि भगवान में भगवान सब में भगवान है एक बात, और सभी भगवान में है दूसरी बात, और सभी भगवान है तीसरी बात, और सभी भगवान के है। ये 500 ही उद्धार करने वाली चीजें है, ये साधन है 500 ही। आखिरी जगह सब कुछ भगवान है, ऐसी उपासना करे, उपासना के बाद में भगवान ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम उमा दे राम शरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देख ही जगत कासन कर ही विरोध। तो प्रभु मय देखेगा तो दुगुण रचा सब दूर जाएंगे। जैसे हमारा परिचित स्थान है पर अंधेरा होता है तो धीरे धीरे चलते हैं, ठोकर न लग जाए कहीं लाग न जाए, जानते हैं कि हम सब निरापद स्थान है पर तो भी डर लगता है। और प्रकाश में पत्थर हो वृक्ष हो कुछ दौड़ के चले जाते हैं तो दिखता है। तो संसार की तरफ राग होने से अंधेरा हो जाता है अंतःकरण में, तो उसमें भरी तो भय लगता है, और भगवान का प्रेम होने पर निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निशोक निश्चिंत निर्भय हो जाते हैं। वो तो प्रकाश होता है तो प्रकाश में अंधेरे में फर्क है, इतना संसार और परमात्मा में फर्क। या निशा सर्वभूता राम तश्याम जागृत संयमी ऐश्याम जागृत भूता निशा निशोपश्य तो मुने। तो उसमें रात दिन का भेद है, रात दिन से विशेष है, परंतु अपने देखने में रात दिन जमीन आसमान ये अपना क्या है भेद कितना हो, जमीन आसमान का भेद है, रात और दिन का भेद है। वास्तव में रात और दिन जमीन आसमान तत्व से देखो तो एक जाति के है, और संसार और परमात्मा एक जाति के नहीं है। संसार तो विनाशी वो अविनाशी है, विरुद्ध है। संसार है वो तो नीचे तरफ जाना वाले ऊपर जाना वाले दो एक जाति अलग अलग है। भगवान तो सबसे विलक्षण है, इस वास्ते रात दिन की अपेक्षा भी इन दोनों में बड़ा फर्क है।
तो मन प्रसाद है, जहाँ भगवान की स्मृति होगी, भगवान की याद होगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। जितना जब भगवान याद रहेगा, जितना भगवान मीठा लगेगा, प्यारा लगेगा, इतना ही चित्त प्रसन्न रहेगा। सोचे ही दूसरी संसार की बातों में भी सत्संग करेगा तो उसके चित्त में आ जाएगा, भाई ये तो संसार का आता जाता रहता है। संसार को लेकर के जो सुखी दुखी होता है वो हरदम सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि संसार तो बदलता रहता है। परमात्मा को लेकर होगा प्रसन्न तो उसे दुख का कारण भी कोई नहीं है, क्यों परमात्मा तो बदलता है ही नहीं, बदला ही नहीं। आप बहुत दिनों से सत्संग सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, इनमें कभी भगवान बदल गए ये सुनिए कभी? संसार सब बदलता है, देवता भी बदलता है, युग भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी बदलते हैं, सभी बदलते हैं, परंतु भगवान बदलते हैं ये कभी कहीं सुना आपने? किसी कथा में, किसी पुराण में, वेद में कहीं भगवान भी नहीं है? भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, ये कई तरह का करते हैं, परंतु कहते भगवान का परिवर्तन हो गया है, जैसे राजकीय अहंकार बदल जाते हैं, इस तरह से तो भगवान में कभी बदलना होता नहीं, वो सदा ही शांत रूप रहते हैं। उसको प्राप्त होने के बाद भी उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसकी जन्म मरण मिट जाता है, तो भगवान तो नित्य सत्य रूप है ही। इस वजह से भगवान में और संसार में बड़ा अंतर है। संसार में महान दुख है, भगवान में परम आनंद है। सुख नहीं है, आनंद है। आनंद है तो सुख, ये दुख सुख, दुख जो है ये सुख तो है, दुख है जोड़ी वाला, पर आनंद का जोड़ी वाली नहीं है। आनंद तो आनंद ही है, आनंद अनानंद ऐसा नहीं है, उसमें सुख और दुख की तरह है। प्रतिकूल दूसरी बात धीरे धीरे ये सापेक्ष होता है। सुख और दुख तो सापेक्ष है, पर दुख की अपेक्षा सुख, सुख की अपेक्षा दुख, सुख की अपेक्षा दुख, दुख की अपेक्षा सुख, रात की अपेक्षा दिन, दिन की अपेक्षा रात, अनुकूलता विषय प्रतिकूलता, प्रतिकूलता विषय दूर का, शरीर की अपेक्षा गर्मी, गर्मी की अपेक्षा, ऐसे द्वंद है ये। भगवान निर्द्वंद है, निराकार निर्द्वंद है, निर्द्वंद द्वंद नहीं है, वहाँ दो नहीं है। तो आनंद उसका नाम है जो द्वंद रहित है, और सुख दुख है ये द्वंद सहित है। ये द्वंद सहित होने से ये एक जाति के है, और आनंद है वो एक जाति का है। तो भगवान में मन रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा। दूसरी बात, संसार के जो घटपट होते हैं, इसको जितना ठीक समझेगा उतना ही वो प्रसन्न रहेगा। प्रतिकूल न प्रेषित प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्त प्रियम। प्रिय को प्राप्त हो करके हर्ष नहीं करना, अप्रिय को प्राप्त हो उद्विग्न नहीं होना। तो संसार में तो अनुकूलता प्रतिकूलता, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, ठीक बेठीक, मित्र शत्रु, ये सब संसार में तो रहेंगे, परंतु साधन करता है वो जितना ही साधक ऊंचा उठेगा उतनी उसमें समता आते रह जाएगी। निर्दोष ही समम ब्रह्म, अंत में निर्दोष ब्रह्म है, परंतु यही थे जितना सर्व ये साल साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हो गया है, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, तो संसार से ऊंचे उठ गए। निर्दोष अंग निर्दोष और सब है, तो जो जो सत्संग करेगा तो ही तो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर उस पर कम पड़ेगा, जितना ही कम असर पड़ेगा उतना ही सुख दुख कम होगा। तो ये होता चला जाएगा, सत्संग में कर सत्संग करके और साधन करेगा तो उसमें विशेष फर्क पड़ेगा। क्यों सत्संग से फर्क पड़ता है? वो आगंतुक फर्क पड़ता है, स्थाई नहीं पड़ता है, और सत्संग करने से स्थाई फर्क पड़ता है। मन चीज जमा होती है, धन एक तो आवे जावे, एक जमा रहता है, तो जमा हो जाता है उनसे, तो उसे ज्यादा मन प्रसाद है, सौम्य मन की प्रसन्नता। गीता में प्रसन्नता के लिए लिखा है राग द्वेष वियुक्तेस्तु प्रसियानिन्द्रिय शरण, ये उपाय बताया है।
संसार के विषयों का सेवन हो, जैसे भोजन करना है, कपड़ा ओढ़ना है, जल पीना है, सोना है, बैठना है, जगना है, उठना बैठना हर एक में, इसमें जितना ही राग द्वेष होगा उतना ही वो दुख होगा आदमी, और राग द्वेष न होने से दुखी नहीं होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ ध्यान विशेष देने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, ये मजबूत होते हैं। इस बात से जाहि विदिरा के नाम ताहि विदिरे, ये साधु के लिए बहुत बड़ी काम की बात है। बैठने के लिए बढ़िया मिली है तो क्या, साधारण मिल गया तो क्या, सोने के लिए बहुत बढ़िया सोया मिल गया तो क्या, नहीं मिलेगा तो क्या, भोजन के लिए बहुत बढ़िया मिल गया तो क्या, और साधारण मिल गया तो क्या, शुद्ध हो, पवित्र हो, धर्म शास्त्र और आयु शास्त्र के अनुकूल हो, ठीक हो, जिसे पेट भरना है, तो हरेक बात में वो सुखी रहेगा। जितना जितना अनुकूलता में राग करेगा उतना प्रतिकूलता में देश होगा। तो हरेक बात में रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, हरेक में साधक होगा, उसकी सुख की परवाह नहीं होगी, दुख भी नहीं होगी। प्रतिकूलता में क्या होगा, प्रतिकूलता तो ये तो आते ही रहते हैं, कभी गर्मी, कभी छाया आती है, कभी घाम आ जाता है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी हवा चलती है, ये तो संसार बदलता ही रहता है। तो संसार के बदलने के साथ बदलता है, वो संसार में फंस जाता है। इस बात पे ये है ही तेरी जिता सर्वो ये शाल साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था मन स्थित हुआ है, उन लोगों ने संसार को जीत लिया, वे संसार के ऊंचे उठ गए, और जो राग द्वेष होते हैं तो संसार जीत गया। संसार अनुकूल होकर तो खुशी कर देगा, तो पसंद देता है, प्रतिकूल दुख दे देता है, तो वो संसार जीत गया, हम हार गए। संसार अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, घटना प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, चलने फिरने की जगह अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, बैठने की जगह अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सोने की जगह अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, ऐसे हर एक चीज में अनुकूल प्रतिकूलता का जितना असर पर में कम होगा उतना ही वो साधक ऊंचा होगा। अगर उसमें अनुकूलता अनुकूलता ढूंढता रहेगा तो प्रतिकूलता पिंड छोड़ेगी नहीं, सर्वथा अनुकूल संसार होता ही नहीं। संसार तो द्वंद रूप है, सर्वथा तो ही अनुकूल होगा, इसमें तो प्रतिकूलता अनुकूलता आवेगी। अपने सह करके सम हो सकते हैं, संसार सम कैसे हो सकता है। आजकल की रीत है कि पदार्थों को ठीक करो, परिस्थिति को ठीक करो, अपने ठीक अनुकूल तो बनाओ, सबसे पहले अच्छा बनो, अच्छा करो, ये कितना ही अच्छा करोगे ये होने वाला है ही नहीं। एक आदमी शौच जाकर आया, उसका लोटा था वो मिट्टी से भरा हुआ था, मान लिया मिट्टी लगी हुई थी, तो मिट्टी ढीले दिखता था, तो कर लिया धोया तो लोटा निकल गया, वो तो मिट्टी उतर गई। अब मिट्टी के ढेले को ही धोबे तो मिट्टी उतरे क्या निकलेगा भीतर में, अभी मिट्टी है सभी, कोई मिट्टी है उसमें क्या निकलेगा। तो संसार को कितना ही सुख बना दो वो तो अंत में दुख होगा। संसार का दुख भी दुख है, सुख भी दुख है, दुख में सर्वम विवेक ही ना, और परमात्मा में सुख ही सुख है। परमात्मा विषय में रोने में भी आनंद है, हंसने में भी आनंद है, परमात्मा मिलने में भी आनंद है, वियोग में भी आनंद है। चेतन महाप्रभु ने तो वियोग को विशेष महत्व दिया है, कि भगवान का वियोग बड़ा अच्छा है, उन्हें सिद्धांत में ही वियोग को विशेष बताया है। तो भगवान के साथ में संयोग वियोग दो आनंद देने वाला है, भगवान के साथ संबंध होने से, ऐसे सत्संग मिलने से आदमी के प्रसन्न होता है। तो सत्संग करने से, सदविचार करने से, रहन सहन में समता रहने से मन प्रसन्न रहता है। ये मन प्रसन्न करेगी बात बताई, हरदम मन प्रसन्न होता है, और प्रसन्न रहना ये मन की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्य तुम, और एक सौम्य भाव है, मन एक स्वभाव में क्रूरता होगी, किसी के स्वभाव में क्रूरता होती है, गुस्सा ज्यादा होता है, टेढ़ा रहता है, उसे चित्त पर भी असर बुरा पड़ता है, उसके चेहरे में भी क्रूरता आती है, बर्ताव में भी सौम्य भाव होता है, शांत भाव होता है, वो सबको प्रिय रहता है,
गाया में भी देखो, गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, ऊंट है, इनमें वो बात होती है, गाय होती है, कोई दूसरे कोई बाल में भी जाए चरण में लौट दे रहे करते, गाय कुछ नहीं कहती है, तेज गाय होती है वो बना दुहाती भी नहीं, दुहाती भी लत मारती है, तो ये स्वभाव है। तो मनुष्य को अच्छा स्वभाव बनाना चाहिए, कैसा शोर निशार स्वभाव, क्रूर नहीं, किसी के प्रति भी क्रूरता ना हो, कैसे संतों की बातें हमने देखी है, बर्ताव देखा है ना। एक मुनि जी थे, तो स्नान कर नए तालाब में स्नान करके आ रहे थे, तो पत्थर भाग गए, मुसलमान को छोरा था जो पत्थर भर फेंक गए, अरे अरे लाल जी ही नहीं रहे, मारे लाल जी ही नहीं रहे, लाल जी लगाना देवे ही है, अरे मारे लाल जी ही रहे, उत्तर देवे थप्पड़ी वो भी मुद्दे ही को पूरी सभी छोटे बड़े सभी कोई छोकरे चंचलता करते है ना ज्यादा, तो फिर भाई मार कोई पापों का फल है, वो कोई मेरे पापों का फल है, संकड़े ज्यादा कोई मारे पापों का फल आए, तो सोमी भाव सीधा सत्य है निर्माता में, तो वो निर्माता ये भी मन की तपस्या है, कितनी बढ़िया बात है, कितना सुख है। जब मन प्रसन्न रहेगा तो वाणी भी ठीक होगी, शरीर भी ठीक होगा, क्योंकि मनोहित से अध्यक्ष है, तो मन की प्रसन्नता होती है ना। प्रसाद सौम्य तो मौनम, मौन करके और यहाँ मन वाणी का मौन नहीं है, मौन शब्द आना तो वाणी की तपस्या में देव वाणी का ना अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय वाग में, तो मौन सुन लिया, मन प्रसाद है सौम्य तो मौन आत्म निग्रह, मौन ना है मननशीलता, मानो मन की मौन, तो मन की मौन बड़ी कठिन है, निरर्थक चिंतन होता है, निरर्थक जिससे कोई स्वार्थ नहीं, कोई परमार्थ नहीं, कोई आवश्यक नहीं, अनावश्यक, ऐसे ही मन में एक फिल्म खुल जाती है सिनेमा की तरह, बात याद आती है, तरह तरह याद आती है, उठ बनाओ तो वो नहीं हो, मन प्रसाद सौ में तो मौन मननशील था, परमात्मा का ही चिंतन होता है, शास्त्रों का चिंतन होता है, भगवत वाणी का चिंतन होता है, भगवान की क्या भगवान के स्वरूप का चिंतन होता है, भगवान के तत्व का चिंतन होता है, जैसे गीता है, गीता जी के श्लोक भी वो याद आते रहते हैं, गीता मनन होता रहता है, तो ऐसे भगवान में लगा रहे, ये क्या नाम है मौन, वाणी की मौन होती है, भीतर से मौन होती है, वो तो वाणी का संयम होता है, और ये मन का संयम होने वाणी का शरीर का संयम आप साफ हो जाएगा, तो मन साथ में लगने से ही ज्ञान होता है, आप कान खुल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, परंतु मन आपका भगवान में भजन में किसी काम में भी लगा है तो सही नहीं देगा, इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग करते थे, तो सत्संग करते थे तो गंगा जी के किनारे बैठे थे, वह तो गंगा जी का कल 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 ध्वनि हो रही थी, तो वो बदले वो गंगा जी की ध्वनि हुई है, तो कहने के बाद कह रहा गंगा जी से इधर के सुने ही नहीं थी, गंगा जी की ध्वनि होती है नहीं होती पता ही नहीं, आप एक बातें करो सत्संग करो तो अल्लाह कितना ही होता, वो ध्यान नहीं जाता उधर क्यों इधर लगा हुआ है, तो ऐसे भगवान के मनन में लगने से संसार की बातों में ध्यान ही नहीं जाता, अच्छा बंदे कुछ पता ही नहीं रहता, इस वास्ते दत्तात्रेय जी ने उस कमा गुरु को गुरु बढ़ाया, जो बाण बनाता था, तलवार बनाता था, शस्त्र से बनाता था, एक राजा की सवारी निकली तो उसके आगे होकर निकल गई, एक आदमी पीछे रह गया, वो दौड़ता वो आया, कभी राजा की सवारी गई इधर, कभी पता नहीं हो तो भाई बाजार में बैठा है सवारी निकली पता नहीं, तो उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी, ये हमारा गुरु है, तो वो बाण बनाने में लग रहा है,
बाढ़ है थोड़ा उधर उधर जाए तो निशाना कैसे मारेगा, तो उसको बनाने में इतना तल्लीन हो गया, ये दूसरी बातें ख्याल ही नहीं आया। आप लोग रुपया गिनते हो ना मुझे ख्याल नहीं आता, तो ख्याल है तो घंटी भूल गया, पर मन लगा हुआ है, तो इस बात मन को लगाना आता तो है, पर वो रुपया में आता है, संसार में आता है, सिनेमा में आता है, भगवान में नहीं आता। भगवान का मन है ही नहीं, धीरे नहीं है, भगवान का मन हो तो भगवान को मन लगा हुआ है। शेर जी कहते थे कि मैं शादी करता था तो कई बार बात दूसरी करते तो मेरे को बड़ा मन लगाना पड़ता था, नहीं तो कहते क्या क्या कहा आपने, क्या कहा जबरदस्ती चलते मन लगे ही नहीं सुने ही नहीं थे, चलता था तो वो साथ में मित्र थे वो हनुमान दास जी गोविंद का थे, तो उनके कंधे पर हाथ धर चलते तो एक पूज्य आदर सिंह है बड़े आदमी थे उनसे लग गई हो कि छोड़ा क्या करता है मैंने हनुमान गई हनुमान तुम नहीं कह रहे कि भगवान आ चाहती है मीठे ही हो गया लड़के तो ठहरे आप खेल करते थे तो वो लगन लगी हुई है ना तो देखते नहीं चलते तो कंधे पर हाथ रख दिया अपना आंख मीचने से भगवान का चिंतन होता था, खुली आंखों में विघ्न आता था, इस बार से आंख मीच सहना फिरना खाना पीना भी आंख मीची हुई गई, वो कहते थे मैं बहनों को पहचान नहीं था, वो ख्याल ही नहीं करे पहचान करे पहचान भावनी सुन करे पहचानता था ख्याल ही नहीं पहचानता था, कैसे बात सुनी तो जो साधन परायण होता है इस तरह से मन रहता है मननशीलता, तो मननशीलता में दूसरी बात नहीं आती, मौन आत्म विनिग्रह और मन को अपने वश में किया हुआ, जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए, जहाँ से हटाना चाहे हट जाए, ये बात कठिन है पर साधन होने पर ये शुभ हो जाती है, ये तो भगवान में लगाना चाहते है संसार में लगता है लगा के लगता कभी। एक बात याद आ गई मैंने पढ़ी है वेदांत केसरी में बात पढ़ी थी, उसमें एक कहानी थी आरियल तत्तू शीर्षक था आरियल तत्तू वेदांत केसरी 1974-1975 में निकलता था बल्लभगंज आगरा से, शंकरलाल कोश्य संपादक थे, बड़ी अच्छी वेदांत की बड़ी अद्वैत सिद्धांत का बड़ा अच्छा विमोचन था, अपने सब सब हाथ थे पुस्तक अपने हुआ बड़े रामदर में था, सबकी जिद बांधी हुई सबके पूरे पूरे कल्याण भी पूरा का पूरा सौक्षण बता करते थे, तो अरियल टट्टू की बात बताई कि एक आदमी था जो शहर से 5 कोस दूर उसका गांव था, तो जाता आता वो शहर में काम करता था, पर जाता था रोजाना नहीं तो शहर में रहने लग गया, शहर में कमाते रहते रहते हो गया बीमार, बीमार हो गया तो बेचारे को क्या हो गया बीमार हो गया तो ज्यादा बीमार गांव जाना है तो गांव जावे तो गांव सवाई बन जा नहीं सकता शरीर समर्थ नहीं है, तो वो पहुंचा जहाँ एक कहतांगा ऊंट बैल आदि सवारी मिलती वहां पहुंचा, वहां मिलता तो एक आदमी ने कहा कि हम 5 रुपये में घोड़ा देते है, उसने 5 रुपये तो किराया लग जाए 500 में घोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक बात है कि 500 में घोड़ा मिल जाए ऐसा तो घोड़ा मिल जाए, घोड़ा का शौक अड़ियल टट्टू तो उन्हें चलावे तो एक दूसरे से तीर फैला पीछे से फिर चले तो फिर दूसरे पीछे चले तो थोड़ा सा अगर ही लगा पीछे चले, अब मार पीट करके वो तो स्वभाव ही पड़ा हुआ, तो बड़ा हैरान हो गया कि हमें आफत होगी, एक तो मैं बीमार ठहरा एक ये टट्टू आ गया, अब इसको चारा दो इसको दाना दो वो दो और फिर आफत चलता ठीक है नहीं, तो एक संत आए अरे दुखी क्यों भाई तुम्हारा दुखी क्या है हमारे ये क्या है, मैं तो गया था मैं गांव चला जाऊं तो किराए करके कुछ चला जाऊं तो मिल गए घोड़ा तो मैंने खरीद लिया, 5 रुपये में घोड़ा मिलता है कितनी बढ़िया बात है, तो मैंने खरीद लिया 5 रुपये किराए लग जाए तो खरीद लिया, तो वैसा है महाराज जो चला तो ठीक चलता ही नहीं, तो कैसे क्या करता है,
एक कदम चले तो दो तीन कदम पीछे गए, फिर एक कदम चले तो भेजा तीन कदम, क्या करूं, हैरान हो गया। संतर क्या, देख सुन मेरी बात, गाँव में रह, तू गांव के बाहर ले जा और गांव की तरफ मुख करके चला, तो एक चलेगा तीन कदम पीछे चलेगा सीधे जाएगा, तो क्यों ना इनको काम पड़े, तू तो गाँव पहुंच जाएगा, तू पीछे घिस रही है चला गया ठीक हो जाएगा। तो संतर बताया हुए ठीक हुए, शीर सगाया। उनका तात्पर्य लिखने का था कि संसार मन है जो भगवान में लगावे तो भगवान में तो थोड़ा लगावे, और संसार ज्यादा लगे भगवान होगा संसार ज्यादा लगे, तो ये अड़ियल तत्व है, तो इसको कैसे किया जाए उसमें समझाया। जैसे करो कि संसार की तरह तो दुख दोषान दर्शन, संसार के चले इसमें दुख है, इसमें दोष है, इसमें आपत है, ऐसे संसार क्यों बचेगा, चल भाई कष्ट करेगा तो भगवान लग जाएगा, ये युक्ति है, ऐसा शुद्ध में चलाएगा। तो ये अड़ियल बना चले, भगवान की तरफ लगे तो संसार को चिंतन करे, तो संसार में ही दोष दे, संसार से ही हटाओ, जो आपसे आप पीछे खसे खसे भगवान में लग जाएगा, इसलिए युक्ति बताई। मन प्रसाद सौभद मोहन आत्म विनिग्रह, मन को निग्रह करने की युक्ति ये भी है। इस बात जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आरोप दर्शन साधन बताया, पांच विशेष साधन है, बीस है ना, ये ज्ञान नाम से उनमें एक एक ये भी साधन है। तो दुख दोष का आरोप दर्शन बार बार, जन्म मृत्यु, जन्म का मृत्यु का, जरा व्याधि दुख दोष, इनका बार बार दर्शन कर, दर्शन करके पीछे हटाएगा उसे, अब पीछे हटाएगा भगवान तो चला जाएगा। तो इसलिए मन का निग्रह किया जाए तो मन ठीक भस्म हो जाता है, जहाँ कहीं मन जाता है उसमें उसमें दोष दृष्टि हो जाए तो मन हटेगा उसमें। एक श्लोक आया है, महांतर महारोगवती निदानं को नाम वेशम रूपिणी विजेत, आरंभ के साथ बोल रहे हैं, निदान भोगेश दोषण संत अंतर महारोगवती को नाम वेशित, मन है उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि मन के निग्रह के लिए उत्तम उपाय है, क्या कह रहा, विरक्त तीव्र निदान माह, तीव्र बैरा के लिए विरक्त तीव्रत्व निदान माहु भोग्य सुदोक्षे क्षण में वसंत तेत विराती की विरक्ति प्राप्त कराने के लिए, जिसके भोग्य है उसमें दुख और दोषों को देखो बार बार, विरक्त तीव्रत्व निदान माहु उसका कारण है, भोग्य सुदोषे क्षण में वसंत दोषों की क्षण में उस बार बार देखे, अंतर महारोगवती विजानन को नाम वेश्या विजेत, आज सभी गर्मी आदि दोष है मनो वेश्या नहीं जाता हुआ, तो ऐसे महान दोष मन हटेगा, जितना जितना संसार में हटेगा भगवान भगवान में लगेगा। एक विलक्षण बात है, संसार में जो लगता है तो सिद्धांत से संसार सीमित है, चाहे अनंत ब्रह्मांड हो, रोम रोम पाद कोट कोटि ब्रह्मांड जितना होने भी सीमित है, भगवान असीम है। तो भगवान असीम है, संसार सीमित है, तात्पर्य क्या निकला कि सीमित से मन हटेगा तो पीछे रहेगा परमात्मा में असीम में रहेगा, और जाएगा कहा जाएगा, संसार से हटने पर नींद आ सकती है, पर चिंतन क्या करेगा, चिंतन करेगा तो भगवान ही करेगा वो। इस वजह से दुर्गुण दुराचार छोड़ना है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, नित्य कर्म करो ना माला फेरो तुम इतना करो, ये बात विधि साधन है और निषेधात्मक साधन है, वो संसार विषय निषेधात्मक शासन का बड़ा ऊंचा माध्यम है, क्यों निषेध कर लेंगे उससे तो ठीक हो जाएगा, जैसे कोई सत्य बोलने का नियम लेता है तो सत्य बोलना नियम कहेंगे चूक जाएगा, पर झूठ नहीं बोलना है तो सत्य बोलना आप साफ होगा, निंदा नहीं करना है
व्यभिचार नहीं करना है, अनाचार नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, ये निषेधात्मक साधन है, ये साधन ऊंचे यम नियम है, उसमें नियम है तो शोध संतोष तपस्वाध्याय नियम है और यम ऊपर में उपरामणिक यम है, अहिंसा सत्य मक्रोध ये पांच नियम है, यम है यम तो यम है जो ये अहिंसा नहीं हुआ। नियम तो राक्षसों में मिलेगा, रावण आदि तपस्या करते उनमें भी नियम है तो नियम पूर्व काम करेंगे, मन संयम नहीं मिलेगा, मन मन का संयम करना है, ये उच्च दृष्टि की चीज है। तो खराब प्रवृत्ति से हटना है ये बहुत ऊंची चीज है। प्राय प्रचलित बात में ऐसा मालूम होता है कि नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, पुस्तक पढ़ो, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, ये करने करने की बात होती है, करने का विशेष आग्रह रहता है, परंतु झूठ कपट मत करो, जालसाजी मत करो, ठगी मत करो, धोखा मत दो, किसी में विश्वासघात मत करो, ये जो दुर्गुणों का त्याग करना है ये बहुत ऊंची चीज है। इस बात में क्या कर दू की किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो, ऐसे करेगा तो भला ही करेगा, नहीं तो करेगा नहीं, करेगा नहीं करेगा तो दोष नहीं होगा, करेगा तो भला ही करेगा। ऐसे भलाई करने में तो भलाई सीमित होगी और बुराई न करने में भलाई असीम होगी, भलाई का सीमा है उसकी। बुराई नहीं करना है तो भलाई स्वतः होगी, असीम होगी, स्वतः होगी, व्यापक होगी। इस वास्ते संसार से हटने की बात है वो बड़ी ऊंची चीज है, इससे अलग हो जाने की बात है। निषेधात्मक साधन जितने गए वो बड़े ऊंचे हैं, प्रचलित लोगों की दृष्टि में विध्यात्मक साधन अच्छे मालूम देते हैं, वो कर रहे हैं ये कोशिश करता है उसी महिमा है, पर है असली महिमा निषेधात्मक की है। क्यों कि अंत में संसार का निषेध ही करना है, और करना क्या है, परमात्मा उल्लाघन नहीं है, परमात्मा सब जगह है, स्वतः ही है, निश्चित से हटेगा तो परमात्मा से लग जाएगा स्वतः ही, स्वामी और कहाँ लगेगा, निश्चित से हटेगा तो बीत में लगेगा तो कहाँ जाएगा, दो ही बात होगी, कुछ नहीं करेगा अथवा अच्छा काम करेगा, तो कुछ नहीं करने में भी दोष नहीं आएगा और अच्छा करने में दोष नहीं आएगा, तो निश्चित से हटना है ये बड़ी बढ़िया बात है, वरियल तत्व की तरह इसे घटता है। आप साहब ठीक 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 पहुंचेगा अपने मन प्रसाद सोभे तुम मोहन बात विग्रह आत्म विग्रह भाव संशुद्धि, भाव अपने जीवन तक में उनको संशुद्धि भाव अच्छा रखे, सबके प्रति सद्भाव रखे, सबसे बढ़िया भाव है भगवत भाव। देखो भगवत भाव है ना, वो करने के उसमें निषिद्धात्मक नहीं बताया, संसार का चिंतन न करना ये भी भगवत भाव है, परंतु इसमें विधि बताई है, नरेश वशिष्ठ मद भाव पुंसो भाव यथोचिरात स्पर्धा सूर्या तिरस्कार साहंकारा भी यदि, संपूर्ण मनुष्य में भगवत भाव करे, जो मनुष्य उसको भगवत भाव करे भगवान है, वास्तव में शब्द की ईश्वर रूप है, सच्ची बात है, तो वहाँ भगवत भाव करने से दोष मिट जाते हैं। जैसे निषेधात्मक साधन करने से तो गुण दुराचार दूर होते हैं, ऐसे भगवान का चिंतन करने से जो कि विद्यात्मक है वो करने से स्पर्धा असूया ईर्ष्या है असूया है साहंकार सब अहंकार के सहित अहंकार मूल में सब का सब दर्श हो जाता है। तो इसमें तो क्या विध्यात्मक हुआ ने साधन ख्याल हुआ ना, मार्मिक बात क्या है कि वास्तव में संसार से हटना है और भगवान में लगना है, तो भगवान का साधन विध्यात्मक होता है, संसार के त्याग का निषेधा साधन होता है, मार्मिक बात है, मानो संसार से उपराण होगा तो निषेधात्मक साधन भी होगा, अब भगवान में संसार निषेधात्मक करो तो भी लगेगा, विद्यात्मक करो तो भी लगेगा, क्योंकि भगवान तो इधर उधर सब जगह है ही, ऐसे सदगुरु सदाचारी सब जगह है, पृथ्वी है ना यहाँ, उसको पृथ्वी मध्य भाग कौन है, यही भाग मध्य भाग है,
जहां करो वही मध्य भाग है, गेंद हो ना गेंद उसको मध्य भाग कहा है, जहां करो यहाँ मध्य भाग वही मध्य भाग है, कैसे नहीं होगा बताओ, जहां करो यही यहाँ मध्य भाग तो गोल है सभी, तो गोल होने से वो चीज होता है, तो भगवान सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, किसी तरह कर उसको ठीक हो जाएगा। जैसे कोई आदमी मांस नहीं भक्षण करता और एक मांस भक्षण करता है, एक झूठ नहीं बोलता, एक झूठ सरकार की परवाह नहीं करता है, तो ऐसे आदमियों में कहा जाए कि तुम मांस भक्षण मत करो, हम रोटी खुजवाएंगे 10 दिन तक पंद्रह दिन हमारे यहाँ भोजन करो, मांस नहीं खाओ तो वो सब देगा, 2-4 रुपया दे तो छोड़ देगा, भोजन नहीं छोड़ देगा तो, पर नहीं मार मानस गाता उसको 100 रुपया दो तो खा लेगा क्या, तो निषिद्ध आचरण कठिन है, परंतु तो करते गए बीड़ी सिगरेट पीते पीते ऐसे याद रहा नहीं जाता उसके बिना, तो निषिद्ध आचरण है डाकू चोर की तरह, इनके संबंध जोड़ लिया तो फिर छूटना कठिन हो जाएगा, तो इनसे संबंध तोड़ना ही है, इस वास्ते निषेधात्मक तेज है, और भगवान को प्राप्त करना ही है, इस वास्ते भगवान को याद करो तो संसार को छोड़ो तो, दोनों तरह से भगवान तो बीच में आ गई। जैसे कोई विचार कर ले कि मैं असत्य बोलूंगा, एक विचार कर ले कि मैं सत्य बोलूंगा, तो सत्य बोलने वाला सत्य बोलेगा, सत्य बोलोगे तो सत्य बोले कैसे दिखेगा, कभी कष्ट पाओ चाहे कैद भी चले जाओ, अब झूठ नहीं बोलेंगे, निभा देगा, अरे एक नियम ले लेगा मैं झूठ ही बोलूंगा तो उनका व्यवहार कठिन हो जाएगा, कहते भूख लगी है, कहता ना भूख नहीं हो तो क्यों कह दो, और भूख नहीं हो तो कहते हाँ, कैसे होगा प्यास लगी है कहता कैसे मरता रहेगा, झूठ बोलने का नियम ले लिया, अगर नियम वो कहते 8 बार तो झूठ बोलूंगा ही चाहे कुछ भी हो जाए, तो 8 बार प्यासे मरो भूखा मरो दुख कहो मुझे झूठ बोलूंगा ही, तो झूठ बोलने का नियम सच्चा हो गया। तात्पर्य यह है कि जो सत्य तत्व होता है वो व्यापक होता है, वो छूट नहीं सकता, असत्य पकड़ा कैसे नहीं सकता, जन्म मरण बार बार होता है, पर जन्म मरण मिट जाता है तो बार बार होगा, जन्म गया तो फिर मरना बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी, जन्म गया तो फिर मरना बाकी, अब इसे अंत कैसे आवे, घाने का बैल उम्र पर चले रहा कवाई रहे, तो संसार तो ऐसा है अनुकूल पर्टिकुलर ठीक रुपये ठीक उत्पत्ति रुपये दास रुपये क्रम ये चलता है, तो इसमें तो इससे निकलता पुरुष जाल फंस गए, इससे अगर इसका भी नियम पकड़ लेगा तो नियम में सत्य आ जाएगा, जाति में सत्य आ जाएगा, तो सत्य शब्द परिपूर्ण व्यापक है, सदगुण सदाचारी व्यापक है, कि सत्य है सदगुण है वे दुर्गुण है दुराचार है, दैवी संपत्ति है आसु संपत्ति है, तो आसु भी हरदम नहीं रहती, दैवी संपत्ति है परमात्मा हरदम रहेंगे, तो भगवान का संबंध जो है वो तो अटल है, विधि पूर्व करो तो अटल है, निषेध करो तो अटल अटल है, और संसार का विधि पूर्व तो फर्श हो गए, निषेध करो तो फर्श हो गए, निषेध कर नहीं सकते आदम, तो इस वास्ते परमात्मा का जो संबंध है वो तो विद्यात्मक करो, संसार का निषेधात्मक ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अंत में निषेध ही कर रहा है, निषेधात्मक जाता है, इस बात से निषेधात्मक साधन साधन जितना दामी है उतना विद्यात्मक नहीं है, संसार का संबंध विच्छेद कर रहा है हमारे को, क्योंकि संसार है वो अनुकूल प्रतिकूल ठीक बेठीक ये द्वंद है, इसमें तो द्वंद्व से तो हटने से ही काम चलेगा, और परमात्मा निगरने से काम चलेगा, आप सब छूट जाएगा, भाव संशुद्धि, तो भाव संशुद्धि क्या है, के भाव में भगवान याद रहे सबका भला चाहे, इस बात में क्या करो, दो ही बात है खास, भगवान को तो याद रखो और संसार की सेवा करो, ऐसा हो कुछ मती कुछ न चाहना सेवा कर, इस नाम कर्म योग है, और कर्म योग क्या है, सेवा तो करो और चाहना कुछ मत रखो, तो चाहना कुछ नहीं रखने से संसार लगेगा नहीं, सेवा करने से पहला का जितना दुर्गुण दुराचार है गड़बड़ी करी है वो तो सेवा करने वो तो सेवा करने से मिट जाएगा, अगारी करेंगे नहीं,
जैसे कोई दुकान करी किसी ने और वो ठीक नहीं उठाना चाहता है तो उधार दिया हुआ माल है उसके तो रुपये आवे जितने आवे नहीं आवे तो छोड़ दो और अपने अपने में देना है वो अपना सब दे दो तो अपने तो सब दे दिया जाए और जो अपने मांगते हैं उसमें जितना लेना लेना छोड़ दो तब दुकान उठेगी। सबका सब रुपया लेना चाहो तो दुकान नहीं उठेगी क्योंकि लेने के लिए मांग देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो देना बाकी रहेगा तो कुछ कुछ बाकी रहेगा ही तो वो छोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो दुकान नहीं उठ सकती। इस बात से संसार से सुख लेना तो छोड़ दे यानी इसका दुख इसी जितने कर्जा है वो चुकाता जावे पर संसार की सेवा तो करता जावे अरे सुख लेना बंद कर दे तो सुख लेना बंद कर दे तो कर्जा तो बंद हो जाएगा अरे सुख देना पहुंचा पहले वाला कर्जा उतर जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। जब संसार ये सुख भी लेता रहता है दुख भी लेता रहेगा उसका कल्याण नहीं होगा। साधकों में बड़ी गलती यही होती है कि हम साधन भी करते हैं साथ साथ असाधन भी रखते हैं। सत्य भी बोलते हैं साथ झूठी बोल जाते हैं, बैरागी रहते हैं साथ राग भी रखते हैं, आसक्ति छोड़ते हैं आसक्ति भी रखते हैं। जन्म बीत जाएंगे साधन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि साथ साथ वो चीज एक होगी दो होती रही है साथ में। तो दुर्गुण दुराचार छोड़ना जितना दामी है सदगुण सदाचार करना उतना नहीं है क्यों इनसे संसार का संबंध छूटता है। सदगुण सदाचार से संबंध नहीं छूटता है और वो गुण होता है सीमित और जो निषेधायु साधन है वो असीम होता है। असीम हम किसी को दुख नहीं देंगे ये सीमित थोड़े होगा। हम जानवर को नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे नहीं मारना शेष है मर रही तो विधि आती है। मानो निषेधात्म साधन व्यापक होता है तो संसार का संबंध पहले रहा है उसकी तो सेवा कर दो और उनसे सेवा चाहो मत। सेवा करो सेवा चाहो मत, चाहते रहोगे तो देना देना दे चलता ही रहेगा। इस बात हमने एक दिन बात पढ़ी है बड़ी सुंदर लगी हमें। वो सुंदर ये लगी कि संसार के साथ संबंध है हमारा तो उनमें अपने भोग बुद्धि से कोई चीज सेवन मत करो। भोजन करना है एक, जल पीना है एक, कपड़ा ओढ़ना है एक, बैठना है एक, चलना है, इसमें भी भोग बुद्धि से मत करो। त्याग बुद्धि से करो, दूसरों की सेवा करने की बुद्धि से करो। अरे त्याग बुद्धि से करने से संसार का संबंध विच्छेद होगा और भोग बुद्धि साथ में रहेगी तो संबंध विच्छेद नहीं होगा। तो साधन करते हुए असाधन बीच में साथ रहते हैं तो असाधन रहते हुए पूरा साधन बनता नहीं और असाधन का त्याग करेगा तो संतन स्वतः ही संतन बनेगा। संसार के चिंतन का त्याग कर देंगे तो संसार का त्याग करने पर परमात्मा का चिंतन होगा अथवा कुछ भी चिंतन नहीं होगा और क्या होगा, तीसरी अवस्था क्या होगी। संसार का चिंतन नहीं करेंगे भगवान का चिंतन होगा तो भगवान चिंतन होगा तो कुछ भी चिंतन नहीं होगा, होगा तो भगवान का चिंतन तो कुछ चिंतन नहीं होने से भी हानि नहीं होगी अरे भगवत चिंतन है फायदा होगा ही। तो स्वाभाविक ही हमारी उन्नति होगी स्वतः ही स्वाभाविक उन्नति होगी। तो बात क्या सुनी पुस्तक वाली, वो बात ये थी एक लेना एक देना दो चीजें, तो एक लेना एक देना और एक लेना ही लेना एक देना ही देना चार बात होगी। तो लेना देना ये संसार है और लेना ही लेना है ये नीची बात है और देना ही देना है ये सिद्ध की बात है। तो साधक होता है उसको देना सीखना चाहिए लेना बंद कर देना चाहिए, लेने की नियति बंद कर दे भीतर से और देना ही देना बंद कर दे। तो देना ही देना चेतनता है वहाँ ऐसा लिखा है, देना ही देना चेतनता है लेना ही लेना जड़ता है। तो साधारण आदमी लेना देना दोनों करते जड़ चेतन है ये जड़ चेतनी ग्रंथि रहेगी, लेना देना दोनों रहेगा तो जड़ चेतनी ग्रंथि छूटेगी नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्वसंशया क्षीयंते चाषी कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे।
तो विद्युत हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेद करना हो तो लेना छोड़ो। देखो अपने गांठ में लगाते है ना, दोनों में लगाते हैं गांठ, लगाते हैं गांठ। अब कपड़े एक गांठ, कोई दूरी एक गांठ लगाओ, एक गांठ दूसरी गांठ लगाते हैं तो दोनों हो जाती है ठीक तरह से। तो दोनों तरफ की गांठ है। निर्द्वंदो ही महाबाहु सुख मंदात्मते, गेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। द्वेष राग द्वेष, राग द्वेष, ये छूटेगा नहीं। लेना देना छूटेगा नहीं, ये द्वंद रहेगा ही, बंधन रहेगा ही। तो लेना देना है मनुष्यों का है, पशु पक्षी है, उनसे आप ले सो तो देना नहीं है। वृक्ष है, तुम्हें देना नहीं है, उनको लेना ही लेना है। पशु पक्षियों से आप ले सकते हो, वो दे नहीं सकते। तो लड़े ही लेने वाले होते तो वो तो पशुता होती है, और जो देना ही देना होता है वो सिद्ध होते हैं। इस वास्ते स्वार्थ मंत्र सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे से प्रीति। तो स्वार्थ तो सब में लगा हुआ, सुर नर मुनि सब में। अरे स्वार्थ मंत्र सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही, परमार्थ है ही नहीं, तो क्यों लड़ाई लेना, देना ही देना है। ये है जड़ता, जो लेगा जड़ता आवेगी। संसार का जो संबंध रखेगा तो जड़ता ही तो पैदा होगी, जड़ता ही तो संग्रह होगी, चिन्मयता कैसे होगी। तो लेना ही लेना है जड़ता, देना देना चेतनता। तो देना ही देना में हमारे जड़ता का संबंध विच्छेद होता है। सर्वता दे दिया तो चिन्मयता आप साफ रहेगी, सेवा करेगी। तो इस वास्ते लेना देना ये है साधारण मनुष्य, और लेना ही लेना है ये है वृक्ष आदि स्थावर और जड़ चीज है, और देना ही देना है ये है सिद्ध पुरुष की बात। तो साधन करता विचार हो, आपका विचार हो कि हम साधन करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, तो लेना छोड़ दो, देना शुरू कर दो। देना कम दो तो कोई दोष आया नहीं भी, लेना रखोगे तो साधन सिद्ध नहीं होगा। तो साधक होते ही सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, मान नहीं लेना है, बढ़ाई नहीं लेना है, सुख लेना ही नहीं, हमें साधन करना है। असली साधन तभी बनेगा हरेक बात में त्याग किया जाए, न लेना ही लेना, जो अनुकूलता है, सुख है, संग्रह है, भोग ही सही प्रसन्नता बता ना, भोग रे न भोग, भोगना न संग्रह करना है, ये सिद्धांत न रहे। लोग कहते हैं हम हमारे को देना आता है, देना नहीं आता। लेना देना दोनों होता है, उसको लेना नहीं आता, देना नहीं आता है। देना तो उसको आता है जो संग्रह भी देने के लिए ही करे, और देना भी देने के लिए करते है, लेना भी देने के लिए ही करे। देना ही मुख्य हो जाएगा वो साधक बन जाएगा। साधक के लिए बहुत आवश्यक इस बात की जरूरत है कि उसको देना ही है। तो साधक बनते ही मन से भाई हमें संसार को लेना नहीं है, ये बात शुरू कर देनी चाहिए। जो साधन चाहता है अपने रहने की इच्छा सर्वदा छोड़ दो तो जड़ता छूट जाएगी। भोग और ऐश्वर्य ये क्या लेना है ना, भोग भोगना ऐश्वर्य संग्रह करना रहना है, ये रहेगा तो उसकी व्यवसाय की बुद्धि नहीं होगी। और धरे देना लेना नहीं है, लेना नहीं आ जाएगा तो उसका त्याग हो जाएगा। देखो करपाति जैसे कई बड़े बड़े यज्ञ कर दिए, लखपति करोड़पति अरबपति भी है, और एक यज्ञ किया तो बताओ। संग्रह बुद्धि वाला धन का उपयोग नहीं कर सकता, वह माता गर्भ को शुद्ध उपयोग करके नहीं कर सकता वो। और जिसके भीतर से त्याग होगा वो धन का उपयोग कर सकता है। तो निर्लोभ होता है, मोह ही नहीं होता, लोभ ही नहीं होता, वो ही आदमी अच्छा काम कर सकता है। तो साधक मात्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि लेने की वृत्ति है, सुख लेने की वृत्ति, लाभ लेने की वृत्ति, ये छोड़ दो। आप से आप आ जाएगा तो वो वृत्ति न होने से त्याग शूम हो जाएगा लोभ और छोड़ने से। जिस तरह से कई अपने करते हैं भाई 100 के 50 एक रुपया निकालेंगे तो निकाल दिया, वो खर्च करने में बड़ी शुभता होती है, और अपना है उस करने में कठिनता होती है। तो देना ही देने लगने ठीक होता है, संग्रह वृद्धि होने ठीक नहीं रहती। नारायण नारायण, समय हो गया।
लेना देना है तो दुर्गंधी है, देना ही देना ही गंधी खोलना है, देना ही केवल है ये है। हे दुराई के जग जू पुकारी तुम तुम्हारे सेवक ये पूरे दो होते हैं, क्योंकि लेना बंद कर दिया ने सर्वथा, इस वास्ते भाई हेतु थे जो उत्पादी हुए हैं, सब हेतु से हेतु थे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 31 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।